जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है अवध विश्वविद्यालय के उन बच्चों के लिए जिनको इस बार बीएड और एमएड में बैक पेपर देना है। दोस्तों, जैसा कि पहले से निर्धारित था कि 10 तारीख से आपकी बैक पेपर होनी है और आज 7 तारीख है, यानी कि आपका एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो जिन भी बच्चों को इस बार बैक पेपर देना है बीएड फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में या एमएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, तो वो उन बच्चों का एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पे जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे डाउनलोड करेंगे, वन बाय वन पूरे स्टेप्स को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं अवध विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अवध विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये हमारा अवध विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आने के बाद आपको सीधे आ जाना है कहाँ पे, आपका देखिए यहाँ पे जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है वो आपको एग्जामिनेशन बॉक्स में मिलेगा। जी हाँ, जैसे ये आप ऑप्शन देख रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म ना, तो इस एग्जामिनेशन फॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म पे आपको यहाँ पे, जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस खुल के आएगा। इसको आपको नीचे लाना है, नीचे लाना है, नीचे लाना है। ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा वेट करिए, फिर आप देखेंगे कि डाउनलोड एडमिट कार्ड बीएड एमएड बैक पेपर 2022। हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फॉर्म नंबर भरना है, यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था अभी बैक पेपर का, तो उसके ऊपर फॉर्म नंबर होगा वो डाल दीजिए और नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप यहीं से सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, आपका जो ऊपर का कैलेंडर दिखा रहा है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पर डालने के बाद आप डाउनलोड एडमिट कार्ड कर दीजिए। जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर खुल के आ जाता है। तो एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार से आपका डाउनलोड होगा। इसमें अगर आप सूचना की बात करें तो ऊपर देखेंगे आप, तो आपको यहाँ पे आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड लिखा होगा, उसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे ऊपर रोल नंबर और उसके साइड में आपको यहाँ पे आपका स्टूडेंट नाम लिखा रहेगा और आप कौन से ईयर में देंगे वो लिखा रहेगा। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दो चीज़ आप नोटिस करिएगा, आपने कौन से सब्जेक्ट में बैक पेपर भरा है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे नीचे दी होगी, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इस बच्चे का बैक पेपर है तो ये नीचे दिया गया है। सेंटर, जी हाँ, सेंटर याद रखिए अवध विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर ही एक दीक्षा भवन है, वहाँ पर आपको एग्जाम होगा, तो अवध विश्वविद्यालय के कैंपस में आ जाइए। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं अमेठी से हूँ या फिर सुल्तानपुर से हूँ या फिर कहीं और से हूँ, तो आपका जो बैक पेपर का एग्जाम होता है ना सभी बच्चों का यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है, तो आपको कैंपस के अंतर्गत आना है। कैंपस में आके, तो आप कैंपस में है आके ही आप बैक पेपर का एग्जाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि तैयारी आपकी हो गई होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी तैयारी आपकी और आप अच्छे से एग्जाम देंगे और इस बार आपका डेफिनेटली नंबर इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटी सी सूचना थी मेरी, इट्स माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू, ये मेरा फर्ज है कि मैं आप तक इन्फॉर्म करूँ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, अच्छे से तैयारी करिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नहीं जुड़ना चैनल तो सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए और लोगों को जोड़िए, दोस्तों से जोड़िए, एक अच्छी टीम बनाइए ताकि कोई भी सूचना आपसे मिस ना हो पाए। सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टडी करिए, पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।